हेलो एवरीवन आई एम आस्था वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन यूट्यूब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है परमानेंट भर्ती रहेगी वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है सो टेंथ पास कैंडिडेट से स्टार्टिंग है टेंथ या आई आपने किया मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपकी टेंथ पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा परमानेंट भर्ती रहेगी इसमें आपकी पोस्ट 256 256 टोटल पोस्ट है अलग अलग पोस्ट है और सभी पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट है इसलिए मैंने आपको इसमें मेंशन नहीं किया है लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका टेंथ या आई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसीज हैं कुछ पोस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं ओके okay, सो so दोनों ही कैंडिडेट फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड, दोनों ही कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं चलिए मैं आपको इसका नोटिफिकेशन में सारे पॉइंट्स क्लियर करती हूँ अभी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं बहुत जल्द इसी मंथ में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे इसका जो नोटिफिकेशन लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर आप सेल की ऑफिसियल वेबसाइट से भी इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकेंगे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा तो सेल की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इसकी जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे नवंबर मंथ में ही स्टार्ट होने वाले हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे उसी लिंक से ओके चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताना चाहूंगी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 नवंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आप सेल की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट जो रहेगी वो है सत्रह दिसंबर 26 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे ओके सो so, छब्बीस नवंबर से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे अभी इसका नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल साइट पर ही है अभी मैं आपको इसके नोटिफिकेशन से सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर देती हूँ सो so, यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं एंड अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन विलाई स्टील प्लांट एंड इसमें है चंद्रपुर फेरो प्लांट यानी सी एफ पी लेम स्टील प्लांट एस एस पी सेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट ओके सो ये अलग अलग यूनिट्स में ये वैकेंसीज हैं अब यहां पर हम देखेंगे पोस्ट डिटेल दी गई है सीनियर कंसल्टेंट ई फोर ग्रेड की पोस्ट है इसमें एक एक पोस्ट दी गई है यहां आप देख लेंगे ये पीजी जिन्होंने किया हुआ है और एक्सपीरियंस है उनके लिए है वैकेंसी भी एक ही एक है ओके okay? कंसल्टेंट यहां पर पोस्ट ग्रेड यहां पर दी गई है तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे या जो आगे जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है वो आपके पोस्ट ग्रेड के हिसाब से बताई जाएगी सो वन ई टू थ्री ग्रेड की ये पोस्ट ई वन ग्रेड में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आएगी ये भी दो पांच पोस्ट है इसमें मेडिकल ऑफिसर के लिए ई वन ग्रेड पर मैनेजर ई थ्री ग्रेड पर रहेंगे और इसमें भी टोटल पोस्ट आप देख रहे हैं सभी में अलग अलग दी गई है ओके okay? हम यहाँ पर बात करेंगे नेम ऑफ दोस्ट एस वन ग्रेड से पोस्ट ऑफ एस थ्री एस वन ग्रेड के लिए तो ये माइन फॉरमैन एस थ्री में आएगा सर्वेयर एस थ्री ये पोस्ट ग्रेड दी गई है आप इनको देखते रहिएगा जब अप्लाई करेंगे तो आप इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके कोड के हिसाब से इसमें नोटिफिकेशन में बताई गई है पोस्ट यहाँ पर माइनस फायरमैन सर्वाइवर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर माइनिंग मेड्स ब्लास्टर एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन वॉलर ऑपरेशन अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वॉयर सो ये पोस्ट है और टोटल आप नंबर ऑफ पोस्ट देख रहे हैं सभी में कितनी पोस्टीन फोर एट सेवनटीन सेवनटीन फोर्टी थ्री ट्वेंटी थ्री कैटेगरी यहाँ पर देखेंगे इसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की जो एस थ्री ग्रेड की जो पोस्ट है इसमें मेटोलॉजी के लिए नौ रखी गई है मैकेनिकल के लिए चार है इलेक्ट्रिकल के लिए चार है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए चार है केमिकल के लिए तीन रखी गई है कैटेगरीज वाइज आप देख लेंगे जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपके लिए इसमें वैकेंसी है या नहीं अटेंडेंट कम टेक्निशियन ट्रेनी एस वन ग्रेड की जो पोस्ट है इसमें फिटर के लिए अट्ठाइस है इलेक्ट्रीशियन के लिए पंद्रह है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए तीन है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए तीन है हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए पाँच रखी गई है कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिएगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कितनी वैकेंसी इसमें दी गई हैं इसके बाद यहाँ पर है फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी एस वन ग्रेड ओनली फॉर मेल ये जो पोस्ट रहेगी ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी इसमें टोटल आठ पोस्ट है कैटेगरीज आप देखेंगे अनरिजर्व यहाँ पर जीरो है कोई भी पोस्ट नहीं है अनरिजर्व में एस के लिए एक एस के लिए छ रखी गई हैं और ईडब्ल्यू के लिए वैकेंसी और एक्स सर्विस के लिए एक है अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो यहां पर जो सीनियर कंसल्टेंट यानी ई आप यहाँ पोस्ट कोड देख रहे हैं ना ई थ्री इन सब के लिए अपर एज लिमिट यहां दिया गया है और इन सब में एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है और यहां पर आपका जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें आपका पीजी होना चाहिए जैसे पीजी डिग्री है या कोई डिप्लोमा है उस हिसाब से है सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए है तो इसमें भी आपका पीजी डिग्री डीएनबी एंड एक्सपीरियंस यहां पर मांगा गया है मैनेजर पोस्ट के लिए बीई बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे इसमें हैविंग वैलिड वाइब्रेशन जो यहां पर मैनेजर मैकेनिकल पावर इंजीनियर मेंटेनेंस के लिए दी गई है Okay. हम यहाँ पर जो असिस्टेंट uh, मैनेजर देखेंगे, देखेंगे. तो यहां पर एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ट्वेंटी एट आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए ये जो अपर एज लिमिट दी गई है ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा सर्वाइवर के लिए यहां पर ट्वेंटी एट अपर एज लिमिट रखी गई है और इसमें भी टेंथ पास होना चाहिए फुल टाइम डिप्लोमा माइनिंग में होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइंस में आपने किया है तो अप्लाई करेंगे यहां पर भी वन ईयर का एक्सपीरियंस है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए अपर एज लिमिट ट्वेंटी है टेंथ पास होना चाहिए फुल टाइम आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए हैवी वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसमें भी वन ईयर का एक्सपीरियंस है हम फ्रेशर कैंडिडेट की पोस्ट देखेंगे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट रखी गई है ऑपरेटर कम टेक्निशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए थर्टी अपर एज लिमिट रखी गई है पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इसमें लेकिन डिप्लोमा आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल या पावर प्लांट में आपका होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए फर्स्ट क्लास वॉलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वॉलर ऑपरेशन के लिए ट्वेंटी अपर एज लिमिट रखी गई है इसमें भी टेंथ पास मांगा गया है एंड आई अगर आपने किया है टेंथ के साथ में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सेकंड क्लास वाला अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की जो पोस्ट रहेगी इसमें ट्वेंटी एट अपर एज लिमिट है टेंथ पास मांगा गया है तीन साल का फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अगर आपके पास है मैकेनिकल मेटोलॉजी केमिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तो आप इसमें अप्लाई करेंगे ये जो पोस्ट है इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग एस वन ग्रेड के लिए टेंथ पास और आई अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एन uh, सी से फिटर इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है उन पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं नेक्स्ट है पर, trainee, driving, तो यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी व्हीकल ड्राइविंग तो यहां पर आपका वन ईयर का क्वालिफिकेशन यानी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वन ईयर का आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकेंगे टेंथ के साथ में आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का तो अप्लाई करेंगे बस एक साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग का अप्लाई कर सकते हैं फायरमैन कम फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए भी यहां पर टेंथ पास अप्लाई करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का एंड वन ईयर का इसमें जो ड्राइवर की पोस्ट है वहां पर एक्सपीरियंस वन ईयर का मांगा गया है ओके सो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है पोस्ट यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ बताई गई है किसके लिए क्या है सो so, आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसके बाद एज रिलैक्सेशन आप देख रहे हैं एस सी कैंडिडेट को फाइव ईयर्स का एक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा ओबीसी को थ्री ईयर्स का पीडब्लू बी को टेन ईयर्स का मिल जाएगा सो so यहाँ पर आप एज अपने जो कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा आपकी एज कितनी हो रही है अपर एज लिमिट हमने सभी देख ही ली है फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रखा गया है पोस्ट ग्रेड ई वन से ई फोर पोस्ट के लिए जो हाइट वगैरह रखी गई है हाइट वेट चेस्ट वो यहाँ पर है फोर एस वन से एस थ्री जो पोस्ट रहेंगी आपकी जिसमें आपका फायर कम फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर को छोड़ करके बाकी की जो पोस्ट है उनके लिए मेल कैंडिडेट को एक सौ पचपन सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल को एक सौ तैतालीस सेंटीमीटर फोर्टी फाइव के जी बेट मेल कैंडिडेट का होना चाहिए मिनिमम और थर्टी फाइव के जी फीमेल कैंडिडेट का इसके बाद यहाँ पर विजुअल पैरामीटर दिया गया है आई साइट के बारे में बताया गया है पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पर आप अपनी आई साइट देख लीजिएगा ओके एंड फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर दिया गया है और ये यहां पर है हाइट है एक सेंटीमीटर क्योंकि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ओके वेट है 50 के चेस्ट यहाँ पर 86.5 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर अन एक्सपेंडेड में दिया गया है आई विजन छाई छह विदाउट ग्लासेस होना चाहिए कलर विजन नॉर्मल एंड यहां पर पूरा डिटेल दिया गया है आप देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट दिया गया है हम यहाँ पर देखेंगे फायरमैन माइंस फायरमैन फायर सर्वाइवर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उनके लिए तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीवी टेस्ट होगा ठीक है उसके बाद इसमें स्किल टेस्ट फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट पोस्ट के अकॉर्डिंगली जहां पर ड्राइवर की पोस्ट है वहां पर ड्राइविंग रहेगा ट्रेनिंग एंड प्रोविशन पीरियड पोस्ट कोड के अकॉर्डिंगली एक साल का यहां पर रहेगा किसी के लिए दो साल का रहेगा पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है दो साल का भी यहाँ पर दिया कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन अटेंडेंट कम टेक्नीशियन फारम कम फायर इंजियन एंड विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ टू ईयर दो साल की रहेगी अदर जो पोस्ट है उनके लिए वन ईयर की भी दी गई है सो पोस्ट कोड के हिसाब से आपको यहाँ देखना होगा जब आपकी ट्रेनिंग रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट ईयर में बारह रहेगा पर मंथ एंड सोलह हजार जो ग्रेड रहेगी उसके लिए सोलह सेकेंड ईयर में एस वन ग्रेड पर पंद्रह हजार पर मंथ दिया जाएगा आपको एंड एस थ्री ग्रेड पर अठारह हजार तीन सौ दिया जाएगा और यहां पर स्केल पे दिया गया है पोस्ट के हिसाब से एस थ्री के लिए छब्बीस हजार छह सौ एंड यहां पर एस वन के लिए पच्चीस हजार ओके okay, सो so सभी पोस्ट के हिसाब से आप यहां पर देखेंगे एप्लीकेशन फीस तो ये भी पोस्ट के हिसाब से रहेगी अगर आप ई वन से अबॉप की जो पोस्ट है ई वन ई टू थ्री फोर वहां पर अगर अप्लाई करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सात सौ रुपए रहेगी और एस सी एस एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए दो रहेगी एस ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए और एस वन के लिए अप्लाई करते हैं तो तीन सौ वही ऐसे ऐसे पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए, लिए डेढ़ सौ और सौ रुपएगी अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एस ए आई एल डॉट सीओ डॉट इन पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे अप्लाई करने की डेट मैंने आपको बता दी है अभी इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं है अप्लाई करने की जो डेट है वो है छब्बीस नवंबर से लेकर के सत्रह दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट जॉब रहेगी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आपने टेंथ किया है और टेंथ के साथ में अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है हैवी मोटर व्हीकल का वन ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का तो आप अप्लाई कर सकते हैं टेंथ के साथ आपने आईटीआई किया है रिलेटेड ट्रेड से मैंने आपको बताए थे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं टेंथ के साथ अगर आपने कोई डिप्लोमा लिया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं बीई बी टेक अगर आपने किया है रिलेटेड डिसिप्लिन में तो भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन देख लीजिएगा कुछ पोस्ट है जहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कुछ पोस्ट है जहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं सो so, आप एक बार जरूर अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू